वेलकम बैक एक और सेशन में, और आज हम बात करेंगे वोकैब एनहांसमेंट की। दो चीजें, एक आप वर्ड्स को मिसयूज कैसे करते हैं, उसका करेक्ट यूज कैसे होगा, दूसरा वर्ड को हम क्विकली डेवलप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कोच और ट्रेन और टीच, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं पर इसके यूसेज लोग गलत करते हैं। तो पहले हम कैटेगरीज रखेंगे टीच की कैटेगरीज में जो वर्ड आते हैं, और आप उसके बाद हम उसके एक्सप्लेनेशन पे भी चर्चा करेंगे। आई मीन आई विल टेल यू कि हम उसको करेक्ट यूज कहां और कैसे करें। जो टीच की कैटेगरीज में वर्ड्स आते हैं वो होते हैं टीच, कोच, ट्रेन, गाइड, मेंटर, एडुकेट एंड इंस्ट्रक्ट। जो लर्न की कैटेगरीज में आते हैं वो होते हैं लर्न, रीड, स्टडी, मास्टर, परस्यू, ग्रास्प, एब्जॉर्ब, कॉम्प्रीहेंड। अब हम इस पे हर वर्ड के करेक्ट यूसेज और एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट वर्ड है टीच। जब हम जनरल किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो वो कहलाता है टीच, जैसे आई टीच इंग्लिश, यू टीच योर स्टूडेंट्स। दूसरा वर्ड है कोच, ये भी टीच का ही अगला पार्ट है। टीच और कोच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जब हम किसी को एक्सरसाइज के लिए या फिजिकल फिटनेस के लिए अगर हम ट्रेन करते हैं तो वो कहलाता है कोच करना। एन एग्जाम्पल, आई कोच फॉर क्रिकेट। अगला वर्ड है ट्रेन। ट्रेन का मतलब भी सिखाना ही होता है, पर जब हम किसी को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, उसको एडुकेट करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेन करना। एन एग्जाम्पल, आई ट्रेन फॉर जॉब और आई ट्रेन फॉर प्रोफेशनल डिग्री। अगला वर्ड है गाइड। दरअसल टीच का ही अगला पार्ट गाइड है, और गाइड में भी हम टीच ही करते हैं, पर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को वैसे अगर बता देते हैं तो वो गाइड कहलाता है, जैसे आई गाइड फॉर राइट डायरेक्शन। अगला वर्ड है मेंटर। बहुत कॉमन वर्ड और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और स्पेशली ये यूएसए में ज़्यादा यूज़ होता है। मेंटर मींस भी टीचिंग ही होता है, पर अगर दो लोग सेम स्किल्ड के हों, एक जूनियर हो और एक सीनियर हो, तो जब आप जूनियर को ट्रेन करते हैं तो वो मेंटर कहलाता है। आई मेंटर फॉर शेयर मार्केट। अगला वर्ड है एडुकेट। बहुत पॉपुलर वर्ड और बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड। दरअसल जब आप किसी को फॉर्मली टीच करते हैं और एक स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए, तो आप एडुकेट करते हैं, जैसे आई एडुकेट माई चिल्ड्रन। और इस लिस्ट में सबसे आखिरी वर्ड है इंस्ट्रक्ट। दरअसल इंस्ट्रक्ट का मतलब भी टीच करना ही होता है। इस केस में आप दरअसल कर दिखाकर आप टीच करते हैं, वो कहलाता है इंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल, आई इंस्ट्रक्ट माई चिल्ड्रन। लर्न, दरअसल लर्न करने का मतलब सीखना। कुछ भी चीज जो आप कुछ करके, पढ़ के या समझ के सीखते हैं उसको कहते हैं लर्न करना। एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश। दूसरा वर्ड है रीड। दरअसल ये भी लर्न की कैटेगरीज में आता है, और रीड मतलब पढ़ना। अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं या किसी चीज को समझने के लिए पढ़ते हैं तो वो कहलाता है रीड करना। एग्जाम्पल, आई रीड न्यूज़पेपर। एक अगला वर्ड है बहुत कॉमनली यूज्ड, स्टडी। आमतौर पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस बात को समझने में कि रीड और स्टडी में क्या फर्क है। जब हम कुछ सिलेबस पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज अगर हम डेप्थ में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है स्टडी। एग्जाम्पल, आई स्टडी माई सिलेबस। इस लिस्ट में अगला वर्ड है मास्टर। दरअसल आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा स्किल्ड बनने के लिए, एक्सपीरियंस बनने के लिए अगर आप कुछ चीज लर्न करते हैं तो वो कहलाता है मास्टर। एग्जाम्पल, आई हैव मास्टर्ड इन म्यूजिक। इस लिस्ट में अगला वर्ड है परस्यू। बहुत कॉमन वर्ड, अब आपने सुना होगा आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन और बहुत सारी चीजें। दरअसल ये भी रीडिंग और लर्निंग की कैटेगरीज के वर्ड है। परस्यू मतलब अगर आप किसी स्टडी को लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं तो परस्यू कहलाता है, इसीलिए हम कहते हैं आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। अगला वर्ड है लर्निंग की कैटेगरीज में, वो है ग्रास्प। दरअसल आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर समझने की कोशिश करते हैं तो आप ग्रास्प करते हैं। एग्जाम्पल, यस आई एम ग्रास्पिंग योर पॉइंट। अगला वर्ड है एब्जॉर्ब। दरअसल जब हम रीड करते हैं, लर्न करते हैं, उन्हीं चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो हम करते हैं एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल, आई एब्जॉर्ब्ड एवरीथिंग। इस लिस्ट का आखिरी वर्ड है कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी समझना, जानना या सीखना होता है। दरअसल जब आप काफी चीजों को पढ़ के उसको कंक्लूड करते हैं तब आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जैसे आई कॉम्प्रीहेंडेड दैट पैसेज।